समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वंदेत्तु सर्वसिद्धे दुभमचल्मणोभमं गदिं पत्ते वोच्यामि समय पाहुड मिणमो सुदकेवली मणिदम् समय सार जी ग्रंथाधिराज पेज नंबर 34 श्लोक नंबर 6 एक ते निय बस शोध नय तो पेज नंबर 35 पर भावार्थ की सातवीं पंक्ति है। यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। दो चीजें इस कलश में आई, एक तो हमें आत्मा की प्राप्ति हो और दूसरा शुद्ध नए उपादेय है। दो चीजें आई ना, तो टोडरमल पंडित जी जो छाबड़ा जी है वो ये लिख रहे हैं कि यह वीतराग अवस्था की हमें प्राप्ति हो ऐसी भावना है, और दूसरा लिखा कोई नए पक्ष नहीं है। कोई नए पक्ष की बात नहीं है, तो आत्मा की प्राप्ति हो ऐसी भावना से वीतरागता कैसे होगी? पहला प्रश्न, हमें आत्मा प्राप्त हो जाए तो वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा, जब तुम स्पष्ट कह रहे हो कि आत्मा निश्चय नए के अधीन है, तो एक नए का पक्ष हो गया, फिर आप कह रहे हो कि हमें कोई नए पक्ष नहीं है। बात समझ आई? एक वाक्य आपने सुना है, ऊपर लिखा भी है वेदी के ऊपर, वो ऐसी जगह लिखा है कि जहां पर आपका चेहरा नहीं जाता, निगाह नहीं जाती। पार्श्वनाथ भगवान की जो वेदी है ना छोटी वाली, पहली दूसरी तीसरी चौथी वेदी, ऊपर ये पहली, सीढ़ी उतर के गए दूसरी, फिर शांतिनाथ भगवान की तीसरी, फिर पार्श्वनाथ भगवान की चौथी। उस चौथी वेदी के सामने ऊपर देखना लिखा है, सत्य का पक्ष ही सच्चा निष्पक्ष है। क्या लिखा है? आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। कौन से धर्म का दिन है आज? उत्तम सत्य धर्म। कैसे होता है उत्तम सत्य धर्म? क्या है उत्तम सत्य धर्म? सत्य, जैन धर्म को भी सत्य धर्म कहते हैं, कहते हैं ना, सत्य दर्शन का शूर अस्त हो गया होता, पूज कुंद कुंद ना होते तो आज क्या होता। जैन धर्म सत्य धर्म है। क्यों सत्य धर्म है? पहला उत्तर, क्योंकि वो जो सत्य वस्तु स्वरूप है विश्व में, जैसा विश्व का स्वरूप है, छह द्रव का, सात तत्व का, वैसा बताता है, इसलिए वो सत्य धर्म है। कल्पना नहीं करता। अन्य मतों में तो कल्पनाएं छद्मस्त जीवों की, अज्ञानी जीवों की
कल्पनाएं हैं। जैसे ये गांव में होते हैं ना झूला छाप डॉक्टर, तो किसी को कुछ हो गया तो वो कल्पना करते हैं कि क्या हो गया होगा, और वैसे वो दवाई जो भी जड़ी बूटी है देसी चीजें हैं वो देते हैं, तो वो कल्पना करते हैं। लेकिन कोई बड़ा डॉक्टर है, इसके पास सारे साधन हैं, स्वयं की लेब है, तो वो बराबर देखेगा कि क्या बीमारी है, तो उसका जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा, सत्य होगा वो, क्योंकि जो बीमारी ओरिजिनल उसे वो दिख रही है। जैसे आजकल वो मशीनें आ गई ना तरह तरह की स्कैन करने वाली, पहले तो पता नहीं चलता था, कुछ नहीं पता चलता था ना, दर्द हो रहा है यहां पे हाथ में यहां, अब कोई क्या समझेगा यहां कोई दिक्कत है, दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत ब्रेन में एक नस दब रही है, होता है ऐसा, तो कैसे पता चलेगा, स्कैन है तो उस मशीन से पता चलता है। ऐसे लिख लो आप, सर्वज्ञता ऐसी मशीन है जिसमें सबका सब कुछ सही पता चलता है। सर्वज्ञता केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, छायिक ज्ञान, अनंत ज्ञान, कितनी चीज बोली, सर्वज्ञता केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ये सब एकार्थवाची है। ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित शुद्ध पर्याय है 100%। विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, पहला शब्द क्या बोला था, सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व, सर्व प्लस ज्ञा, ज्ञाता, सबके ज्ञाता, सब मतलब इस विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, और वो ही संख्या अपेक्षा अनंतानंत है। इस विश्व में 6 द्रव्य के अलावा कोई 7वीं चीज नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, चाहे भीड़ के जंगल में हो, चाहे अंधेरी रात में हो, चाहे कहीं हो, 6 द्रव्य के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात, जो 6 द्रव्य है वो 6 ही द्रव्य अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति संपन्न है। क्या बोला, जिस क्रम से बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, वो वैसा नोट होना चाहिए। और किसी से भी पूछे हम अचानक, सबके फोन नंबर दे देना अभी पेपर पे लिख के, यहाँ पे किसी से भी पूछे तो ये उत्तर आना चाहिए, अजय भैया कौन से धर्म का देने आज, कौन सा सत्य धर्म का, नहीं उत्तम सत्य धर्म का। इन लोगों की आधी अधूरी सुनोगे बीच की तो काम नहीं चलेगा। हाँ, कल सोच नहीं था, उत्तम सोच धर्म का दिन था, सोच होगा शौच का, सोच दशा चारों गति की सोचनी। हाँ, बहुत अंतर है, ये आपका तर्क बिल्कुल सही है कि यदि जैन कोई बोल रहा है दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो उसमें सम्यक वो इंक्लूड है, बात समझ में आई, इंक्लूड है वो। लेकिन कोई अजैन बोल रहा है तो नहीं है वो, तो आप लोग जैन साहब नहीं हो,
इसलिए आपका जो कुछ भी कहना है तत्वार सूत्र जी का सूत्र नंबर 31 पहले अध्याय का, उसमें ऐसा लिखा है कि शराबी यदि माता को माता कहे तो भी सत्य नहीं है। समझ में आया? और यदि होश वाला पत्नी को भी माता कहे तो सत्य है। क्या कहा? रात के प्रवचन सुनना, दो दिन के, सैटरडे संडे के होंगे, ज्ञान शराबी। यदि विज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान कौन है? शराबी है। जो कुछ मैं गायक हूं, मैं नहीं मरूंगा, और ऐसा बैठा है और उपसर्ग परिचय हो रहे हैं और प्राण जा रहे हैं और ऐसा बैठा है, क्या हो रहा है? कुमरण हो रहा है। अनंग सरा का क्या हुआ था? जो भी कहेंगे यहीं से कहेंगे, अनंग सरा ने अजगर को अभयदान दिया, अजगर के मुंह में ऐसी बैठी है, अणमुकार मंत्र पढ़ रही है। कुमरण है कि समाधि मरण है? धर्म है कि अधर्म है? डॉक्टर साहब, वो जो है वो सत्य धर्म चल रहा है, उसका उत्तम सत्य धर्म नहीं चल रहा। लिख लो, अनंग सरा का क्या चल रहा है? सत्य धर्म चल रहा है, उत्तम सत्य नहीं चल रहा। मंद कसाय के परिणाम है, और मेरे निमित्त से ये न मरे, मैंने संलेखना ले ली है, अब मैं ही मरूंगी, बस मैं मरूंगी। मैं अनंग सरा हूं, मैं अजगर को अभयदान दे रही हूं, ऐसी अज्ञानता भ्रांति और अनंतानुबंधी संबंधी कसाय पाप चल रहा है। क्या कहा? कल निगोध की चर्चा थी, रात का सुनना प्रवचन पूरे एक घंटे सिर्फ निगोध की चर्चा थी पूरी, कितने एंगल थे उसमें, क्या निगोध का कारण है, कैसे वो मिटता है, वो सारी चर्चा आई थी कल एक निगोध शब्द पे पूरी, उसमें बताया था। लास्ट था, लास्ट परलक्षी ज्ञान और विशुद्धतम परिणाम की चीटी में वो ताकत नहीं है कि मिथ्यात के हाथी को, असत्य के हाथी को दबा दे। उत्तम सत्य धर्म कैसे होगा? बात समझ में आई? उत्तम सत्य धर्म का अर्थ लिख लो, परिभाषा, स्वरूप, त्रिकाली सत्य स्वरूप को जानकर उस त्रिकाली सत्य स्वरूप का आनंद होना, इसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। राजा श्रेणिक कुणिक के पिताजी भगवान महावीर स्वामी के मौसाजी समप शरण में जिन्हें श्राप को उत्तम की उपाधि मिली भगवान महावीर स्वामी के, उनका मरण जेल में हुआ, रोते रोते हुआ, आर्त ध्यान से हुआ। भावी तीर्थंकर हैं, वो लोग कुमरण था कि समाधि मरण था? रोते रोते मर रहे, जेल में मर रहे। डॉक्टर साहब, छायक सम्यक दृष्टि थे, मैं अविनाशी आत्मा हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, ऐसा ज्ञान था, विश्वास था, और उसके बल पे अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं था। कुछ समझ में आ रहा है? अंदर का धर्म है। और ध्रुवलिंगी मुनराज ऐसे बैठे हैं जंगल में, अकेले हैं, कोई देख भी नहीं रहा कि किसी के उससे कर रहे हो, ये भैया देख रहे हैं तो शांत रहो, अकेले हैं। सामने शेर आया, ऐसे बैठे सामायिक काले ऐसे बैठे थे, और शेर श्यार नहीं है ना, वो जुगल बच्चा जुत सुकोसल स्वामी सुकुमाल स्वामी पढ़िए कहानियां सब वर्तमान युग की। बोलो बच्चा ऐसे घुटने से ऐसे खा रहा है, मांस नोच रहा है, एक यहां से खा रहा है, सियानिया से मांस चीथ रही है, और वो ऐसे बैठे हैं। सब कुछ करो, अब वो तो ज्ञानी धर्मात्मा मुझे राज थे भावलिंगी, लेकिन कोई द्रवलिंगी भी है, ऐसे बैठे और एक विकल्प नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं। आपकी भाषा वाले चार कसाय चौकड़ी वाले अंदर चल रहे हैं, लेकिन जिसे आप कहते हो बाहर से देखने वाले, वो दिखाई नहीं दे रहे। बोलो उत्तम सत्य धर्म है कि नहीं?
धर्मात्मा है कि नहीं, लिख लो। पहले के तीन गुण स्थान को पाप के गुण स्थान कहा है। क्या कहा? कौन से गुण स्थान कहा है? पाप की मुक्तता कही है, पाप के गुण स्थान है। और मिथ्या दृष्टि को तो ऐसा शब्द लिखा है करणानि योग में, गवर्नमेंट सारजी में, मिथ्या इट्ठी पाप जीव। मिथ्या दृष्टि कौन है? पाप जीव। तो पाप जीवियों को पुण्य भी नहीं होता, धर्म की बात तो अलग है, बहुत अलग है। एक महिला आपके घर के सामने आई और सेठानी जी बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने कहा भाई हमें काम चाहिए। अच्छा कौन सी जाति की हो? बहुत ऊंची जाति के हैं, वो तो घर पे परेशानी है इसलिए बहुत परेशान है घर पे, जो भी काम बताओगी आप करेंगे। ठीक है भाई, पैसे कितने लोगी? आप जो दोगी। तो पहले की बर्तन वाली 500 रुपए ले रही थी, वो ये 300 में तैयार हो गई। पहले की कपड़ा वाली 600 रुपए कपड़े के ले रही थी और ये 400 में तैयार हो गई। कितने पैसे बचे? और बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक महीना दो महीना। लेकिन उसकी निगाह है कि इनके यहाँ कितना माल है, कैसे आ सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। बोलो कितनी अच्छी है वो भाई, कितनी मेहनती है और एक नागा नहीं कर रही, टाइम पर आ रही है। और मालकिन ने कही आज तो पैर दुख रहे हैं, तो उसने फ्री में नो एक्स्ट्रा चार्ज। बोलो आप, बस समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? वो तुम्हारी बर्तन कपड़ा वाली भले ही चार नागा कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन उसका ऐसा भी प्राय नहीं है तो वो सत्य धर्म वाली है। बात समझ में आई एग्जाम्पल में? ऐसे ही जिस ज्ञान में त्रिकाली ज्ञायक का निर्णय अनुभव नहीं है, उस त्रिकाली का आनंद नहीं है, तो सत्य धर्म है कि नहीं है? उत्तम सत्य, उत्तम शब्द बोलने वाले नहीं बोलेंगे, उत्तम सत्य धर्म में जो उत्तम शब्द है वो किसकी सत्ता का सूचक है? कितने लोग बता सकते हैं? अच्छे से हाथ खड़े करो, या दिख नहीं रहे हमें, तुम्हें नहीं पता, किसमें पता ही नहीं है। अंकुर, उत्तम सुभाष चाचा जी, हमें नहीं पता अभिप्राय। उत्तम शब्द किसकी सत्ता का सूचक है? कैसे हो कल्याण की करनी, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है। तो कितनी प्रसिद्ध बात है, डॉक्टर साहब की पुस्तक में लिखा है स्टार्टिंग में ही धर्म के 10 लक्षण। इसलिए कह रहे भैया ये पुस्तकें पढ़ो, प्रसंग जब आए धर्म उन दिनों में तो पढ़ो कम से कम। किसकी सत्ता का सूचक है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और सम्यक दर्शन मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा विश्वास, निर्विकल्प प्रतीति, अनुभूति पूर्वक होने वाली प्रतीति, दर्शन मोहे के उपशम अनंतालुबंदी के उपशम होने वाली प्रतीति, शुद्धात्मा का ज्ञान और उस ज्ञान पूर्वक होने वाला आनंद। आनंद को कहते हैं चारित्र, धर्म, क्षमा, मार्दव, आर्यव, सत्य, शौच, आनंद परिणति के नाम है। अलग नहीं है ये, क्षमा अलग, मार्दव अलग, आनंद के 10 नाम है। किसके? आनंद के। कौन से धर्म का दिन है आज? उत्तम सत्य धर्म का दिन है। क्या है उत्तम सत्य धर्म? मैं त्रिकाली सत्स्वरूप आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, विज्ञान
घन हूँ, ऐसा सत्ता स्वरूप जानकर उसका ज्ञान, उसका विश्वास और उसका आनंद, निश्चिंतता, निर्भयता, राग द्वेष नहीं, पर और पर्याय से, कोई भी पर और पर्याय हो, ये धर्म है। वीतरागता की प्रार्थना, इसका अर्थ कर रहे हैं। किसकी प्रार्थना है? वीतराग अवस्था की। तो तुम तो आत्मा को जानने की बात कर रहे थे, तो वीतराग अवस्था कैसे हो गई? अरे जब त्रिकाली सत्स्वरूप को जानते हैं, वो किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, तो वीतरागता उत्पन्न होती है। तो आत्मा की भावना कहो या वीतरागता की भावना कहो, एक ही बात है। समझ पूर्वक, वैसे ही नहीं अंधेरे में तीर चला और लग गया, मुझे जीत गए, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं है। ये तो बराबर ज्ञान स्वरूप का निर्णय करे। कहां से बात चल रही थी अपनी? जैन शासन में जो कुछ कहा है सत्य कहा है। क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। सर्वज्ञ मतलब सर्व के ज्ञाता, छाई ज्ञान वाले, पूर्ण ज्ञान वाले, अनंत ज्ञान वाले, केवल ज्ञान वाले। सर्व मतलब छह द्रव्य जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य। विश्व में इसके अलावा क्या है? अलोकाकाश में क्या है? कुछ भी नहीं। नहीं, सिर्फ एक आकाश द्रव्य है, उसके अनंत गुण हैं और उसकी अनंत पर्याय हैं। कहाँ पर? अलोकाकाश में। ऐसा ज्ञान बराबर चाहिए। समझ में आ रहा है? और जिसे हम विश्व कहते हैं, उस विश्व में छह द्रव्य हैं। छह द्रव्य के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और उन छह द्रव्यों में चार द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध परिणम रहे, सिद्ध के समान है, उनमें कोई विकार नहीं होता। संजय भाई साहब, कौन कौन से चार द्रव्य? अरे हमें जिसे सिखाना है, पढ़ाना है, याद कराना है, उसकी बात है ना। बोलो आप। डर डर के, दब दब के क्यों बोल रहे हो? हमारे मामा जी तो ऐसे नहीं थे, जजों तक की कुर्सी हिला दी थी उनके मारे। वे तो साफ नहीं, अपने को अभी साफ बनना है। समझ आ रहा है? धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, इनकी पर्याय भी अनादि अनंत है, शुद्ध परिणमती है, इनमें कोई विकार नहीं आता। जीव और उद्गल, ये जो दो द्रव्य हैं, इनकी कुछ गुणों की पर्याय में विकार होता है, सब में नहीं। शक्तियों में विकार नहीं होता, धर्मों में विकार नहीं होता, गुणों में विकार नहीं होता, मूल द्रव्य में विकार नहीं होता, मात्र कुछ गुणों की पर्यायों में विकार होता है। कौन कौन से? जीव और उद्गल, दो द्रव्य। पर इन्हीं के विकार और निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये सारा संसार, कर्मबंध, ये दुकान घर गृहस्थी मकान, ये सब जो दिख रहा है, सारा विभाव, ये जो सब संसार चक्र जैसे कह रहे हैं, ये सब दो द्रव्यों की विभाव पर्यायों के कारण है। रोटी कपड़ा मकान राग रंग ये वो जो कुछ भी, ये सब पुद्गल की विकारी पर्याय दिख रही हैं। कौन है सब ये? पुद्गल की विकारी पर्याय। और जो मोह राग देश पाप कसाय आकुलता लड़ाई झगड़े हिंसा झूठ चोरी दर्शन पूजन पाठ के भाव, ये सब जीव की विकारी अवस्थाएं हैं। हाँ, तो पर्याय तो पर्याय है ना। अब वो कुछ गुणों की इसलिए कि जैसे अज्ञान है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, मिथ्यासन वो श्रद्धा गुण की पर्याय, इसलिए कुछ गुणों की पर्याय। बात समझ में आई?
अब बात ये चल रही थी सत्य धर्म क्यों है, ये परम सत्य धर्म क्यों है, क्योंकि केवल ज्ञान में जितने द्रव्य हैं, उनके जितने गुण हैं, जितने धर्म हैं, जितनी शक्तियां हैं, जितने उनके प्रदेश हैं, और तीनों काल की जो जो भी पर्याय हो चुकी, हो रही है, आगे होंगी, वो सब एक साथ एक समय में बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान में दिखाई देती है। अनंत काल बाद जो पर्याय होगी किसी परमाणु में काले रंग की, सुगंध की, खटास की, वो पर्याय उन्हें अभी दिख रही है। और ऐसे पुद्गल परमाणु कितने हैं? अक्षय 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 अनंत सबकी। और अनंत अनादि काल से जो हो चुकी, एक समय पहले, दो समय पहले, तीन समय पहले, चार समय पहले, वो सारी भी अभी दिख रही है। कैसा ज्ञान! ऐसे ज्ञान पर्याय को प्रकट करने की शक्ति मेरे में है। उस शक्ति का धारी ज्ञान गुण वो अभी है, और उस शक्तिमान गुण जिसमें है वो मैं हूं। ऐसा ऐसा सब ऐसी वस्तु में इतनी पावरफुल। तो ऐसा जो त्रिकाली सत्य स्वरूप है वस्तुओं का, उन सबको जो जानते हैं, जिनने बताया है, तो वो हमारे ज्ञान में आए आगम से। कल चर्चा चली थी आगम प्रमाण आए। और अब उत्तम सत्य धर्म क्या है कि भगवान ने मुझे भी एक त्रिकालिक सत्य वस्तु ज्ञान में जाना है और कहा है। तो उसमें अंतिम बात ले रहे हैं, सारी चीजों को गुण पर्याय को गौण करके मैं त्रिकाली सत्य स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। कब से हूं, कब तक रहूंगा? पर ऐसे अपने अनादि अनंत चैतन्य चिंतामणि अचिंत शक्ति के धारी देव, उसका ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, ऐसा ही मैं हूं ऐसा विश्वास, ये सम्यक दर्शन, और ऐसे ज्ञान और विश्वास पूर्वक उस सत्य स्वरूप का आनंद होना। लिख लो, सत्य स्वरूप का आनंद होना, आनंद होना, इसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। निर्भयता होना, निर्विकल्पता होना, निराकुलता होना, कौन सा धर्म है ये? उत्तम सत्य धर्म। उत्तम शब्द किसकी सत्ता का सूचक है? और उस पूर्वक आनंद होना, उसको क्या कहते हैं? चारित्र। उस चारित्र को ही आज के धर्म के दिन में क्या कहेंगे? उत्तम सत्य धर्म। सत्यानंद, स्वरूपानंद उसके पर्यायवाची नाम है। क्या कहा? सत्यानंद, पूर्णानंद नहीं। संजय भाई साहब, पूर्णानंद तो सिद्ध भगवान को, अभी ये स्टार्टिंग। सत्यानंद, स्वरूपानंद चालू हुआ अभी, कारण सत्य धर्म चालू हुआ। कौन सा धर्म चालू हुआ अभी? कारण उत्तम सत्य धर्म चालू हुआ। अल्प काल में अनंतानुबंधी उपशम होगी तो कार्य सत्य धर्म होगा, पूर्ण नहीं मौसा जी? तो दूसरी कसा चौगड़ी मिटेगी तो उस धर्म की वृद्धि होगी, तीसरी मिटेगी तो विशेष वृद्धि होगी, और जब चौथी मिटेगी तब पूर्णता होगी, तब पूर्णता होगी, तब पूर्णानंद होगा। कब होगा? कब होगा? लिख लो, 12वें 13वें 14वें और सिद्ध अवस्था में। लिख लो, चार चार अवस्थाएं पूर्ण आनंद की। कितनी अवस्थाएं? चार। कौन कौन सी? बल्कि 11वें में भी भले ही मोह उपशम है, वो 11वां स्थान गिरेगा, लेकिन चारों कसाय चौकड़ी दबी है ना, तो आनंद तो है।
जैसे आपको चार रोग थे और चार रोग में आपको बहुत कष्ट था और चारों रोग दब गए थोड़ी देर के लिए, तो उस समय बिल्कुल वेदना नहीं है। ग्यारहवें गुरु स्थान का नाम बोलो, ग्यारहवें गुरु स्थान का नाम बोलो, सुनी सुनाई बोलोगे आगे पीछे की शांत भाई साहब, यहाँ सुनो और बोलो। ग्यारहवें गुरु स्थान का नाम अधिकांश लोगों की चेहरे की हवाइयां बड़ी पड़ी, उपशांत मोह जिन, क्या नाम है, क्या हुआ है ग्यारहवें गुरु स्थान में, ये दर्शन मोह और चारित्र मोह की प्रकृतियां सारी, जैसे वो मिट्टी पूरी बैठ गई तो पानी कैसा है, पूरा साफ, ऐसे ही चायत गुण की पर्याय ग्यारहवें गुरु स्थान में एकदम वितरागता वितरागता शांत रूप है, शांत रूप है, शांत रूप है, ग्यारहवें में भी। और बारहवें में वो मिट्टी पूरी गंदगी हटाई गई, क्षय हो गया और पूर्ण वितरागता, उस पूर्ण वितरागता को शांति को कहते हैं यथा ख्यात चारित्र, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। और तेरहवें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो गया, अनंत बल प्रकट हो गया, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, तीन चीजों और हो गई, तो उसी सुख को चारित्र को नाम पड़ जाता है अनंत सुख। कौन से गुण स्थान में, तेरहवें में नाम पड़ गया उसका, नाम क्या पड़ गया, अनंत सुख है वो ही, समझ में आया, अनंत सुख। चौदहवें में वही अनंत सुख, और सिद्ध अवस्था में उसी सुख का नाम दे दिया अव्यावाद सुख, अव्यावाद सुख। सत्य बात है ये, सत्य कथाओं की, सत्य जिनवाणी माँ की, साची तो गंगा यह वितरागवाणी, जरूरत है इस बात को सुनने की। 15-16-17 तारीख को 3 दिन विशेष कार्यक्रम है, बाहर पढ़ लिया होगा, यही विषय आगे बढ़ेगा 3 दिन के लिए अंदर में, सुबह रात्रि के प्रवचन यहीं पे होंगे 3 दिन, रत्नत्र विधान बढ़िया पंडित जी साहब का, और यही विषय 3 दिन ठीक इसी समय पे 9 से 9:45 जी, विषय तो अपना यही चलेगा, हमें विश्वास है कोई आए चाहे नहीं आए ये तो लोग रहेंगे सब, क्योंकि किलंदर वालों पे विश्वास नहीं हमें बिल्कुल, अभी तो नहीं है, फिर 15 तारीख को सुबह देख के हो जाए कितने बैठ रहे हैं। उन्हें भी देख लेंगे, क्या बोल रहे थे, उत्तम सत्य धर्म, देखो लाइन क्या है, यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है, सत्य का पक्ष ही निष्पक्ष है। क्या कहा, त्रिकाली सत्य स्वरूप लिख लो, त्रिकाली सत्य स्वरूप के पक्ष करने वाले को न व्यवहार नय का पक्ष है न निश्चय नय का पक्ष है। क्या कहा, एक दृष्टांत देके बात को बताएंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जमीन पर थोड़ा सा हिस्सा दबा लिया, कहते हैं दूर कई खेत है, प्लॉट है कॉलोनियों में, ऐसा दबा लिया उसने, उस व्यक्ति को पता चला, उसने कहा भैया ये आपने क्या किया, नहीं नहीं ये तो मेरी जमीन है, तुमने भैया ये 2 मंजिल मकान तान दिया उस पर, ये तो जमीन हमारी है, आप नाप लो, हमें कुछ नहीं नापना, हमारी है ये तो। वो माने नहीं, तो लड़ने झगड़ने का कोई काम नहीं है, भारत में व्यवस्था है, आप जाओ आप
शांतिपूर्वक। वो गया, उसने रिपोर्ट की, सब मुकदमा हुआ, जज के सामने सारी चीजें आई पूरी। तो जज ने फैसला सुनाया, डायरेक्ट बात कर रहे हैं अपन तो, कि आपने जो 5 फीट जमीन इसकी इस तरफ बढ़ाई है, इसकी आप वापिस करो, जो आपने उस पर बनाया है उसको आप तोड़ो, और इसका जो मुकदमा में पैसा लगा है, इसका समय शक्ति ज्ञान खराब हुआ है, उसका आप पूरा जुर्माना दो, और आपने हमें भी परेशान किया है, तो आप 2 लाख रुपए कोर्ट में और जमा करो। तो साहब मेरे 3 लाख तो उसमें खर्च हो गए, और मेरे भी मुकदमे में खर्च हो गए, और इतने खर्च हो गए, और ये तो पक्षपात है, मेरे 7 लाख रुपए खर्च हो गए। तो पक्षपात है कि नहीं? क्यों नहीं है? ये आपकी रजिस्ट्री है दोनों की, ये पूरी जमीन की नप्ती है, ये तुम्हारी 100x100 का ये प्लॉट है, 100x100 का इसका प्लॉट है, आप नाप लो। गलती की सजा है बराबर। जज जो फैसला कर रहा है वो किसके पक्ष में कर रहा है, किसके विपक्ष में कर रहा है, उसे किससे राग द्वेष है, ऐसे लिख लो। जिस ज्ञान में अपना स्वरूप है वो ज्ञान निष्पक्ष है, त्रिकाली सत्य स्वरूप का अनुभव ही निष्पक्ष है, वितरागता उत्पन्न होती है, वितरागता। नहीं साहब, तुम्हें सोनगढ़ का पक्ष है, तुम्हें जयपुर का पक्ष है, तुम्हें निश्चय नये का पक्ष है, निश्चय का पक्ष नहीं है, लिख लो। निश्चय नये त्रिकाली सत्य स्वरूप को बताता है, इसलिए वो उपाधेय कहलाता है, लेकिन हमें उस नये का भी पक्ष नहीं है, हमें तो वो नये जो वस्तु बता रहा है, हम उस वस्तु को जानते हैं बस, इसलिए हमें नये का पक्ष नहीं, हमें किसका पक्ष है, स्वरूप का पक्ष है, लिख लेना ये, हमें नये का पक्ष नहीं है। तो निश्चय नये की चर्चा क्यों करते हो? क्योंकि वो उस आत्मा को बताता है, उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा को बताता है जो वास्तव में मैं हूं, है वो वस्तु वैसी, और उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, कर्मों का नाश होता है, इसलिए हम उसको जानते हैं। वीतरागता की प्रार्थना है, और कोई नए पक्ष नहीं है, इस लाइन का अर्थ किया है। कौन से धर्म का दिन है आज? उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म कैसे प्रकट होता है? जब ज्ञान जिनवाणी में निश्चय नये के अनुसार जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप बताता है वैसा ज्ञान भली भांति जानता है, अनुभवता है, तो उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाता है। इधर देखो, व्यवहार नये आत्मा को संयोग वाला कहते हैं। सुनो, संयोग है ये सत्य है, लेकिन आत्मा संयोग वाला नहीं है, इसलिए ये असत्य है, ये नये। एक नये शरीर वाला कहता है, एक नये कर्मों से बंधा कहता है, एक नये मोही रागी द्वेषी कहता है, कर्ता कहता है, तो ये जो भेद रूप जितने नये हैं, ये सब सत्य की असत्य। सुनो, इन इन की तरफ से कथन कहा जाता है तो सत्य, लेकिन यहां से पूछो तो असत्य। क्लियर हुआ विषय? बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय में पूरी रहस्य की बात आई है, बात समझ में आ रही है? बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है कि वस्तु स्वरूप दिख रहा है? निश्चय ने दिख रहा है। निश्चय ने किसे कहते हैं? कि जो अपने त्रैकालिक अभेद परमेश्वर शुद्ध स्वरूप को बताता है। तो निश्चय ने दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब निश्चय ने दिखने के बाद निश्चय ने दिख रहा है कि निश्चय ने जिस शुद्धात्मा को बता रहा है ज्ञान में, वो मैं शुद्धात्मा मैं हूं, ऐसा दिख रहा है। समय सर, बस ऐसा जिसे दिखता है उसे वितरागता प्रकट होती है। क्यों होती है प्रकट? क्योंकि लिख लो, आत्मा में
सुनना ध्यान से, नास्तिक की तरफ से बढ़िया वाक्य बोल रहे हैं, लिखना, आत्मा में कोई भी संयोग शरीर कर्म कसाय नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है। इसलिए जब आत्मा का आश्रय होता है तो संयोग शरीर कर्म कसाय और उसके लक्ष्य होने वाले राग द्वेष और राग द्वेष भी नहीं दिखते तो क्या होती है, वितरागता होती है। क्योंकि दिख क्या रहा है, निखालिस आत्मा, उसमें दूसरी फालतू चीज है ही नहीं। देखो एक दृष्टांत है, आदरणीय भाई साहब ने दिया है, यह हाथ कैसा है बोलो, कैसा है? अब जिसे काला है, कितना काला है, कितना काला है, खराब है, खराब है, नहीं ये तो सफेद है, हाथ एक ही है। अब आप कहां से देख के प्रसन्नता की बात है। एक लड़का पिताजी की कार लेके चला गया और पिताजी ने फुल टैंक कराया था और दिन भर घूम के आया और टैंक रह गया आधा। पिताजी बोले, बेटा क्या किया तुमने, तो सारा पेट्रोल फूंक दिया। पिताजी आधा है देख लो। आधा टैंक भरा है, यहाँ संयोग भी है, शरीर भी है, कर्म भी है, कसाय भी है, राग द्वेष भी है, पूजा पाठ के भाव भी है, मति श्रुत ज्ञान भी है, उपयोग लक्षण भी है, गुण भेद भी है, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? अब ये देखते रहोगे, दिखाते रहोगे तो उत्तम सत्य धर्म प्रकट नहीं होगा। आज से क्या करना है, क्या करना है, मैं तो अभेद हूं, असंयोगी हूं, ये लिख लेना शब्द जो बोल रहे हैं, असंयोगी तत्व हूं, अशरीरी तत्व हूं, अविकारी तत्व हूं, विज्ञान घन हूं, मतिशुद्ध ज्ञान वाला नहीं, विज्ञान घन हूं, सहज ज्ञान वाला नहीं, विज्ञान घन हूं, और अंतिम अभेद तत्व हूं, भेद रूप नहीं। सब आ गए इसमें, सबका निषेध हो गया, असंयोगी हूं, अशरीरी हूं, निष्कर्म हूं, यह कर लो, अविकारी हूं, विज्ञान घन हूं, विज्ञान घन हूं और अभेद हूं। इन सबका निषेध हो गया क्रमशः, क्लियर हुआ? देखो इतनी सरलता से भी जिसे क्लियर नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, दस लक्षण के दिन, उत्तम सत्य धर्म का दिन, और कौन से देने आए, अनादि निधन पर्व, पता ही नहीं है। अब कछु नियम की भाई अष्टमी को पूजा करेंगे कि अष्टमी को हरी नहीं लेंगे, अष्टमी को रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अष्टमी को बार बार नहीं खाएंगे, अष्टमी को बाजार का नहीं खाएंगे, एकादश नियम लो तो वो खबर हो, लेकिन उनकी तो हमें जरूरत है ही नहीं है। तो काली सत्य स्वरूप आपने बता ही दिया, अब क्या करने हो, हाँ इनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ दुकान पत्नी बच्चों की तो अच्छा, रिश्तेदारी की और शादी भी आएगी, कल तुम्हारी शादी है, हमें तो बुलाव नहीं है कोई ने। समझ में आया, क्लियर हुआ विषय? तो आत्मा की प्राप्ति हो या वितराग दशा की प्राप्ति हो, कितनी बातें हैं, एक ही। और आत्मा की प्राप्ति हो तो ये शुद्धने का पक्ष है कि निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। तो क्लियर हुआ इस वाक्य का अर्थ? ओहो, उस जज को किसी का, वो तो सत्य स्वरूप को देख रहा है, पर ऐसे ही जो त्रिकाली सत्य स्वरूप को जानते हैं, केली करे शिव नारायण में, कौन सा धर्म प्रकट हो गया, कौन सा धर्म प्रकट हो गया, क्षमा नहीं हुआ, तप नहीं हुआ, उपवास नहीं हुआ, प्रत्याख्यान नहीं हुआ, आलोचना नहीं हुई,
गुरु जी की ठंडाई बन गई, सोची दली है नहीं, अनंत गुणमयी आत्मा का पूरा वेदन लिख लो। ऐसे वेदन में अनंत गुणों की शुद्ध पर्यायों का पंडमन प्रारंभ होता है। अंतिम वाक्य बोल रहे हैं इसके लिए, जो सिद्धांत वाक्य बोला है उसका दृष्टांत। आपने शक्कर का दाना मुंह पर रखा, वो जो है ना वो क्या बनता है, वो स्वामी जी बनवाते थे बहुत प्रवचनों में, मैसूर पाक, छोटी मोटी मिठाई नहीं है, लड्डू बना दो वैसे ही कछू को, ऐसे मैसूर पाक, इतना घी, इतना बेसन, ऐसे ऐसे स्वामी जी बनाते थे, मतलब प्रवचन में दो शेर बेसन, एक शेर घी, और ऐसे ऐसे वो मैसूर पाक बना, उसके इतना सा टुकड़ा मुंह में लिया तो उस टुकड़े में उस मैसूर पाक के सारे गुण, सारी चीजें, उनका वेदन अनुभव है कि नहीं। ऐसे ही शुद्धात्मा के वेदन में अनंत गुणमयी आत्मा का शुद्ध पर्यायों का पूरा वेदन गर्भित होता है। अकेली श्रद्धा गुण नहीं, चायत गुण का शुद्ध पर्णवन नहीं, अकेला वीर गुण का नहीं, अनंत गुणों के शुद्ध पर्णवन का नाम है अनुभूति उत्तम सत्य धर्म। आनंद आया, सत्यानंद, बस ये है स्वरूप। निज निधि निज में बताए ये अनंत उपकार है।